हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज, अभी सुबह का टाइम है और अभी टाइम बता देती हूँ, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट नहीं किया है। नाश्ता वगैरह सब हो गया है, पूजा पाठ, नहाना धोना ये सब हो गया है। और टाइम बता देती हूँ, अभी ना सुबह के 10 बज रहे हैं। विहान स्कूल चला गया है, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं और मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि अब ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है। सुबह थोड़ी थोड़ी सर्दी भी होने लगी है सुबह शाम। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं होती है लेकिन सुबह शाम ठंड रहती है। तो सुबह ना आजकल इतनी तेज़ी से टाइम बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता और दिन भी इतने छोटे हो रहे हैं। सुबह से शाम कब हो जाती है, काम करते करते बस ऐसे ही टाइम पूरा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो सुबह ना आजकल मैं बहुत अच्छे से साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ, बस जल्दी से पूरे घर की झाड़ू निकाल देती हूँ सुबह सुबह। और डस्टिंग का काम, पोछा लगाने वाला काम, ये सब मैं दोपहर में करती हूँ क्योंकि दिन छोटे होने की वजह से ना सुबह बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर सोफ़ा की डस्टिंग कर दी है और पूर्वी जो है खेल रही है। टेबल भी बहुत गंदी हो गई थी, उस पर भी दाग लग गए थे तो कोलीन से उसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ। हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं कोलीन से अच्छे से टेबल को साफ़ कर देती हूँ। तो सर्दियों में मेरा कुछ ऐसे ही रूटीन रहता है, जो भी डीप क्लीनिंग, डस्टिंग, पोछा लगाने वाला काम, ये सब मैं दोपहर में करती हूँ 10 साढ़े 10 बजे से, क्योंकि सुबह इतना काम हो नहीं पाता है साफ़ सफाई वाला। और गर्मियों में क्या होता है ना कि टाइम पता चलता है, और तो सुबह मेरे पास टाइम रहता है तो मैं फिर पोछा ओछा भी लगा देती हूँ। तो पूर्वी ना अभी परेशान कर रही थी तो फिर मैंने सोचा उसके लिए टीवी ऑन कर देती हूँ, वो टीवी देखती रहेगी और साथ ही साथ मैं भी अपने काम कर लूँगी। तो छोटे बच्चों के साथ इसी तरह काम को मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को भी किसी ना किसी चीज़ में बिजी रखना पड़ता है, या फिर उनको कुछ खाने को दो या फिर उनको कोई टॉयज दो। टॉयज तो जितना भी दो कम ही रहता है, बच्चे एक टॉय से खेलते हैं फिर मन भर जाता है, फिर उनके लिए नया लाना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत वो टीवी देखती है तो मैं उसी बीच में अपने भी काम निपटा लेती हूँ। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मुझे ना अभी पूरे घर में पोछा लगाना है। और सुबह जितना भी झाड़ू लगा दो, नाश्ते के बाद, विहान के स्कूल जाने के बाद, फिर से घर गंदा हो ही जाता है क्योंकि बच्चे ना जो भी खाते हैं वो नीचे ज़रूर गिराते हैं, छोटे बच्चे खास तौर से। तो झाड़ू पहले मैं लगा दूंगी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और सोफे का कवर भी ना बच्चे रहने नहीं देते हैं, बार बार नीचे गिराना, हटाना। तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि बेडशीट डाल देती हूँ सोफे पर, और वो ना कॉटन की जो बेडशीट होती है, प्योर कॉटन की, वो अच्छे से इस पर बिल्कुल चिपक जाती है, तो फिर वो बच्चे हटा भी नहीं पाते हैं। कभी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करूंगी कि मैं कैसे सोफे को रखती हूँ जिससे कि सोफा जो है ज्यादा गंदा भी ना हो। अभी तो मैंने कवर डाल दिया है जल्दी जल्दी में। और झाड़ू तो मैंने पूरे घर में लगा दी है, अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा, और पूर्वी भी मेरे साथ साथ लगी हुई है क्योंकि उसको भी पोछा लगाना है। छोटे बच्चों को ना झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, स्लीपर से खेलना, चप्पल से खेलना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, ये 1 से 2 साल वाले बच्चों को। तो सुबह आज मैंने नाश्ते में आलू का पराठा बनाया था, अभी मुझे दिन का लंच भी बनाना है। और कपड़े भी मैंने मशीन में लगा दिए हैं, कपड़े भी साथ ही साथ धुल रहे हैं, इसके बाद फिर मैं कपड़े फैलाऊंगी।
और पूर्वी जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, वो दिन में बहुत ही कम सोती है, बस आधा घंटा। जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, 6 महीने साल भर तक, तब तक तो वो सोती भी थी 1-2 घंटा, लेकिन अब ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर मैं सोऊंगी तो फिर वो सोएगी नहीं तो फिर, और मेरे पास तो वैसे भी काम रहता है घर में, अगर मैं सोने चली जाऊँ तो फिर काम सारे पड़े रहते हैं। तो पोछा लगाने के बाद अब मैं कपड़े मशीन से निकाल रही हूँ फैलाने के लिए। तो दिन में मैं आधे घंटे ही आराम करती हूँ जब मैं थक जाती हूँ 2-3 बजे लंच करने के बाद। और देखिए मैंने कपड़े मशीन से निकाल दिए हैं, अब मैं मशीन में कवर लगा दे रही हूँ ताकि मशीन जो है गंदी ना हो, क्योंकि जो भी सामान होता है ना उसकी अच्छे से केयर करो, उसको अच्छे से रखो, तभी उसकी लाइफ बढ़ती है। और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ना तार पर फैले हुए, ये कल के कपड़े हैं, कल अच्छे से सूखे नहीं थे क्योंकि आजकल उतनी अच्छी धूप नहीं निकल रही है। तो मेरे कपड़े थे तो मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे बच्चों के, तो मैं कपड़े हटा देती हूँ, अंदर डाल देती हूँ अगर वो नहीं सूख पाते हैं तो। तो जो सूख गए हैं वो उतारती जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े फैलाऊंगी। और देखिए मैंने चावल जो है बना दिया है, कुकर में मैं चावल बनाती हूँ जल्दी बन जाता है। और यहाँ पर मैं तड़का तैयार कर रही हूँ, मैंने बनाई है कढ़ी। तो कढ़ी में मैं तड़का जो है ऊपर से लगाती हूँ, उसमें मैंने सूखा लाल मिर्चा डाला है, कढ़ी पत्ता डाला है, थोड़ा सा मेथी, राई और थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है। तो मैंने कढ़ी बनाते हुए रिकॉर्ड नहीं किया है, थोड़ी सी जल्दी भी थी, हस्बैंड जी का टाइम भी हो रहा है ऑफिस से आने का। तो मैं बड़ी वाली कढ़ी बनाती हूँ, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी, मुझे बहुत ज्यादा पतली नहीं पसंद है। तो हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ गए हैं और टाइम जो है अभी 2:30 बज रहा है, तो उनका मैं यहाँ पर खाना निकाल रही हूँ, उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी। देखिए मेरा भी खाना पीना हो गया है और पति देव भी ऑफिस फिर चले गए, ऑफिस जो है उनका पास में ही है, तो वो दिन में लंच करने आते हैं 2:30-3 बजे तक। तो देखिए अभी टाइम जो है 3 बज रहा है और मुझे भी थोड़ा सा आलस आ रहा था, तो मैं बेडरूम में आई तो देखा बेडरूम फैला हुआ है, फिर मैं इसको ठीक करने लगी। तो ठंड में इतने छोटे दिन होते हैं ना कि सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और उसके बाद अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, 15-20 मिनट या आधे घंटे, फिर बाकी के काम करूंगी शाम वाले। और देखिए अब मैं पूर्वी के साथ थोड़ा सा खेल रही हूँ, उसको प्यार कर रही हूँ, वो भी बहुत देर से मेरे पीछे पीछे लगी हुई थी। तो देखिए वो टाटा कर रही है, आप लोगों से नमस्ते कर रही है। तो इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करूंगी, इस उम्मीद के साथ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर से मिलूंगी, थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।